हिम्मत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, हर 15 दिन में BJP किस तरह नए नए इशू ला रही है। कहीं पर अब कुरान पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, तो कहीं पर बाबा साहेब अम्बेडकर को मुसलमानों का दुश्मन बना करके पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। मंगलूर के रेमंड्स कॉलेज में किस तरह पुलिस और इंतज़ामिया ने मिलकर के हिजाबी तालिबात को बाहर निकाला। प्रदीप मेहरा का स्टोरी आपने देखा होगा, वो नौजवान जो भाग रहा है दिल्ली की सड़कों में रात में, लेकिन उसकी एक तस्वीर का रुख है तो दूसरी तस्वीर का क्या रुख है वो बताया जाएगा। तो वहीं पर चीन में इस वक्त तैयारी के हादसे की खबरें आ रही हैं, MIM को लेकर के उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। होली त्यौहार के दरमियान में नकली शराब पी कर के बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, तो दिल्ली से कतर जाने वाली अचानक क्यों हंगामी तौर पर जो है लैंडिंग करना पड़ा यहाँ की तैयारी को कराची में, और अपना दल और निषाद पार्टी क्या BJP पर दबाव बना रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, अब आइंदा आने वाले इंतखाबात तक महसूस होता है कि BJP के लीडरान महीने के हर 15 दिन में एक एक अलग अलग इशू लाएंगे ताकि लोगों को अलग ही तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता रहे। मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये प्रताप सिन्हा है जो इस वक्त कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नफ़रत फैला रहा है। इससे पहले एक MP था, अब उसके बाद प्रताप सिन्हा का नाम आ रहा है और लगातार जो है मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिश करता है। इसका अब ताज़ा एक बयान आया है, ये कोशिश कर रहा है कि मुसलमान और दलितों को लड़ाएं, और उसके लिए झूठी तारीख पेश कर रहा है। ये एक अखबार का टुकड़ा है जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करूंगा। मड़ीकेरी में इसने नामानिगारों से बात करते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने के लिए रहना बहुत ही मुश्किल है, ये नामुमकिन मुमकिन बात है। ये कहते हुए अम्बेडकर अपने ज़माने में कहा था, ये कहकर के प्रताप सिन्हा ने बयान जारी कर दिया जिस पर अब तबसरे जारी हुए हैं। जबकि प्रताप सिन्हा झूठी कहानियाँ रच करके झूठी तारीख बयान कर रहे हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स को लेकर के इस वक्त जो है झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई गई। तो इसी के चलते शायद प्रताप सिन्हा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि पहली मरतबा बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद लोकसभा का जो इंतखाब लड़ा था उसमें उनको हार हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल में जयसूर कोलना के हलके से मुस्लिम लीग की हिमायत से ही वो जीत दर्ज किए थे और इनकी पहली जीत थी, तभी जाकर के जो है वो पार्लियामेंट और लोकसभा तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस हकीकी जो है तारीख़ को बयान करने के बजाय दलितों को और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है प्रताप सिन्हा, और देखिए किस तरह की बयानबाजी कर रहा है। और सुर्खी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी वीडियोस भी हैं, चूँकि जो है कॉपीराइट का मसला होता है वो आवाज़ से नहीं सुना सकते, लेकिन कन्नड़ा में उसने जो बयान दिया कुछ अखबारात ने उसको सुर्खियों में ली है और अब इस पर तबसरे जारी हो चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर 15 दिन में एक नया नया इशू लाना, इनका कर्नाटक में एक शेवा हो चुका है। हिजाब का मामला नहीं हुआ था कि अब जो है पूरी तरह से भगवद्गीता तालीमी निसाब में शामिल करने की बातें सामने आई, और अब जो है मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है दलितों के साथ। अब उसके बाद में और एक भी ये कल्लड़ का भट्ट जो इसी इलाके का एक हिंदुत्व लीडर है, उसने तो अब साफ तौर पर कह दिया है कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद महसूस होता है कि बाइबल और कुरान सिर्फ और सिर्फ जो है वो मासूमों को कत्ल करने और रेप करने का ही सबक देते हैं, पैगाम देते हैं। इसलिए अब इन किताबों को चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, इनको जो है पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। ये कहते हुए जो अपने आप को डॉक्टर कहता है कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट, बदनाम ज़माना है और नफ़रत फैलाता है, इसने भी ये बयान जारी कर दिया है।
तो नाज़रीन ग्रामी कर्नाटका और बिलखसूस कर्नाटका के साहली इलाके में इस तरह के लीडरान पाए जाते हैं जो अलग अलग तरह के जो है बयानबाजियाँ करके इस वक्त पूरी तरह से कर्नाटक के हालात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी दी कश्मीर फाइल्स के लेकर के दुगली पॉलिसी भी आप बीजेपी को देखिए, वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने भक्तों को बना रहे हैं या पूरी दुनिया को बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कश्मीर का मामला क्या है, कल वो आईसी का इजलास होने वाला है पाकिस्तान में और उसकी जो तैयारियां चल रही हैं अहमदाबाद में पाकिस्तान के, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर के हवाले से आ रही हैं, यानी जो मुस्लिम ममालिक का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है जिसको वो आईसी कहा जाता है वो वहाँ हो रही है। दूसरी ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा, यूएई का एक 40 अफराद पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन आया हुआ है इस वक्त जो श्रीनगर में श्रीनगर का जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, बल्कि उसका फ़ैसला लेंगे और पूरा देख करके जाएंगे। एक तरफ अरब मुल्क के मुसलमानों को बुला करके यहाँ की हुकूमत जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए 40-40 मेंबरान का डेलीगेशन यहाँ पर आता है, दूसरी जानिब वहीं पर दी कश्मीर फाइल्स के नाम पर फिल्म दिखा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ और गलाया जाता है, कत्लेआम की बात की जाती है और जो है मुसलमानों को किस्म का विलन बना करके पेश करने की कोशिश एक तरफ ये हो रही है, दूसरी तरफ ख़ुद मुस्लिम ममालिक से बुला करके इन्वेस्टमेंट का चल रहा है। तो इससे क्या पैगाम जाता है, आप साफ और वाज़ह तौर पर आप कर ले कि यहाँ की हुकूमतों को हो या हिंदुत्वा तंजीमों को ना कश्मीरी पंडितों से वास्ता है, ना ही उनकी किसी फलाह बहबूद से मतलब है, ना उन पर होने वाले जुल्म सितम जैसा कि वो कहते हैं इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको हुक्मरानी और उनको पैसों से और उनको जो है अपनी हुक्मरानी चलाने से मतलब है। ये साफ और वाज़ तौर पर तस्वीर सामने आने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर फैज दिखा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम की बात करेंगे, वहीं पर मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों को बुला करके जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हीं की जो है इस्तकबाल भी करेंगे, उनको दावत भी पेश करेंगे। ये हालात हैं नाज़रीन ग्रामी। बहरकैफ़ आइए अगली ख़बरों की जानिब चलते हैं। आज आप सुबह से एक वीडियो देख रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, प्रदीप मेहरा की, जो 19 साल नौजवान है जो मैकडोनल्ड्स में काम करता है और रात के वक्त में भाग भाग करके जो है रिक्शा नहीं पकड़ता, बस नहीं पकड़ता बल्कि भागता है, और इस दरमियान में कोई फिल्म मेकर उसको ये देखता है और कार में उसको भागते हुए उसका मंजर खींच लेता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है कि तुम रात के वक्त में क्यों भाग रहे हो, तो वो जवाब देता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहते कि रात के वक्त में क्यों, आप बस पकड़ के जा सकते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, तो वो कहता है कि मुझे भागने के लिए जॉगिंग करने के लिए यही वक्त है, दिन भर मुझे मेहनत करनी पड़ती है, रात में जाकर के खाना पकाना पड़ता है, मेरी माँ बीमार है, अपने गाँव में वो है और मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ वगैरह वगैरह, जैसे कि यहाँ पर चल रही है सारी चीज़ें। इस लड़के का ताल्लुक जो है उत्तराखंड से है। अब इस वीडियो को वायरल कर दिया गया, जाहिर सी बात है कि मेहनत कर रहा है लड़का, 19 साल है और जॉगिंग भी कर रहा है और भाग करके लगभग 16 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। वाकई में उसकी जो है एक इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है जिसको देखना चाहिए, लेकिन यहाँ का मीडिया सिर्फ ये एक रुख बता रहा है, दूसरा रुख ये है कि ये भारत की ज़मीनी हकीकत है कि 19 साल नौजवान जिसको पढ़ाई करके जो है मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए था वो इस वक्त एक दुकान में काम करने पर मजबूर है। इसी तरह की कहानी आपने उस वक्त भी देखी थी जब कोरोना लॉकडाउन के मौके पर ज्योति कुमारी ने जो है साइकिल के ज़रिए से अपने बाप को अपने इलाके पहुंचाया था और कितना बड़ा फासला तय किया था उसने। यह असल में भारत में मौजूद गुर्बत और बेरोज़गारी की असल तस्वीरें हैं जिसको मीडिया हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए उसको एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी बना करके पेश करता है कि जो उसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो दब करके रह जाते हैं। और इस मौके पर कुछ लोग जो है जो हंगामे हालात में सामने आते हैं मदद का ऐलान करते हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने नौजवान होंगे जो इस तरह के फिल्म मेकर के कैमरे के नज़रों में नहीं आए होंगे, न जाने कितने लोग होंगे जो इस वक्त जो है न जाने किस बस अड्डे पर सो रहे होंगे, न जाने किस रेलवे अड्डे पर सो रहे होंगे, न जाने जो है गर्मी में जो है वो लोग किस तरह यह कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक शख्स को पकड़ लिया जाता है उसकी इंस्पिरेशन स्टोरी बनाकर, जाहिर सी बात है कि मेहनत करने वाले की जो है इंस्पिरेशन उसकी स्टोरी होती है और उसको जो है पूरी तरह से दिखाना भी चाहिए, लेकिन मीडिया को सिर्फ एक सिक्के का एक ही रुख नहीं, दोनों रुख दिखाना चाहिए कि इसमें हुकूमत की नाकामी भी है और इन नाकामी के दरमियान जब सारा कुछ ख़त्म होने के कगार पर होता है उस वक्त यहाँ के नौजवान उम्मीद का एक किरण भी दिखाते हैं अपनी मेहनत से।
जब इस तरह का सामने आता है तो उस मौके पर महसूस किया जा सकता है कि वाकई में ये कहानी जो है वो असरअंदाज भी करती है और मकामी सतह पर और ज़मीनी सतह पर भारत की जो हकीकी तस्वीर है वो भी लोगों के सामने आ सकती है। इन तमाम चीज़ों को जांचने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जो है वो अलग अलग छोटे छोटे ढाबा वाले लोगों की कहानियाँ बना करके पेश करते हैं, वो हकीकत ये है कि भारत में बेरोज़गारी, गुर्बत और पसमानदगी, इन तमाम चीज़ों को पेश करने के बाद अगर इन स्टोरीज़ को सुनाया जाए तो मुमकिन है कि उस वक्त दूसरों के लिए ये सारी चीज़ें मशले राह हो। बहरकैफ प्रदीप मेहरा की मेहनतें वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। आइए नाज़रीन गिरामी चाइना चलते हैं। आज ताज़ा और बहुत ही अफसोसनाक खबर वहाँ से आ रही, चीन में एक बड़ा तैयारा हादसा हुआ है। 737 बोइंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे के वक्त जो है उसमें कुल 133 मुसाफिर सवार थे। चीन की मीडिया के मुताबिक हादसा साउथ चाइना सी में पेश आया है। हादसे में कितने लोगों की जानें तलफ हुई हैं या कितने ज़ख्मी हुए हैं फ़िलहाल इसकी कोई जानकारी मुसद्दिका ज़राए से नहीं मिल रही हैं। अलबत्त अलग अलग तरह के जो है रिपोर्टें पहुँच रही हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने भी तैयारी के हादसे का शिकार होने की तस्दीक कर दी है और जाए वाकया पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं इससे महसूस किया जाता है कि इस पर सवार कोई भी शख्स बचा नहीं जा सकता, इसलिए कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है और जो है हर तरफ इस वक्त आग के शोले नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर इस पर देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, MIM ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जो है हाथ मिलाने को तैयार हैं, तो जवाब दे दिया उद्धव ठाकरे ने और कहा कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम MIM के साथ नहीं जा सकते, बल्कि ये तो जो है शिवसेना को बदनाम करने के लिए BJP जो है साजिश रच रही है और MIM के ज़रिए से जो है इस तरह की बयानबाजियाँ करवा रही है, इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, शिवसेना एक हिंदुत्व पार्टी होने का तस्करा करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इत्तेहाद के लिए ये MIM की पेशकश को इतवार को मुस्तरद कर दिया था। साथ ही उसको महाविकास आघाड़ी सरकार की क़ियादत कर रही पार्टी शिवसेना को बदनाम करने की BJP की साजिश पर करार दिया। शिवसेना की क़ियादत कर रहे ठाकरे ने यहाँ पार्टी के मेम्बरान पार्लियामेंट और हिदारों की मीटिंग में डिजिटल ज़रिए से खिताब किया, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और दीगर मामलों को लेकर साबिक साथी BJP की तनकीद की है। नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन इस दरमियान में एक पॉइंट निकल करके ये सामने आता है कि MIM को इस वक्त दीगर पार्टियां जो है किस नज़रिए के साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि पार्टी अगर ये कहते हुए MIM को रिजेक्ट कर देती है कि वो हिंदुत्ववादी है तो फिर MIM क्या है, इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा। यानी कि कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर सेकुलर मानने वाली शिवसेना पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर के जाने वाली MIM को ये कहते हुए अगर ठुकराती है कि हिंदुत्व पार्टी है तो फिर इस सिलसिले में मज़ीद सोचना पड़ेगा कि शिवसेना के थाट्स आखिर क्या हैं और वाकई में क्या उसने जो है कांग्रेस के साथ जाने पर मजबूर हुई इकतदार के लिए, या फिर जो है वो कांग्रेस को भी हिंदुत्व का एक विंग समझती है, इस पर भी सोच विचार करने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं। गुजरात के स्कूलों में भगवद्गीता पढ़ाए जाने का ऐलान गुज़श्ता दिनों हुआ था, जिस पर अभी हंगामा ख़त्म भी नहीं हुआ, और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रामचरित मानस को निताब का हिस्सा बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रियासत के कॉलेजों में रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। उन्होंने एक तकरीब के दौरान वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि रामचरितमानस का कॉलेज में निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव होलकर साइंस कॉलेज में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जब उन्होंने कॉलेजों में रामचरितमानस पढ़ाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कॉलेज इहाते में करोड़ों रुपये की तरक्याती कामों का इजरा और भूमि पूजन भी की थी। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं मुख्तलिफ इलाक़ों में अब सिर्फ BJP के लीडरान की ज़बानों से जो बातें आ रही हैं वो भगवद्गीता, रामचरितमानस, हिजाब और ऐसी चीज़ें, तरक्यात की यहाँ कुछ मालूम नहीं है। उनको पता चल चुका है UP के इंतखाबात के बाद कि आप तरक्यात करें ना करें ये कौम आपको ही वोट देगी, बस आप मज़हब के नाम पर लोगों के एहसास और जज्बात के साथ खिलवाड़ करते रहें। इसलिए कि जो रिज़ल्ट इस वक्त सामने आए हैं उससे साफ़ और वाज तौर पर उन लोगों को ये पैगाम मिल चुका है कि अब तरक्यात की बात करना भी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि जब आप तरक्यात के बग़ैर ही मज़हब के नाम पर खिलवाड़ करके वोट लेना चाहते हैं तो फिर किस बात का आप तरक्यात करें पूरे मुल्क और भारत में, और क्यों करके हुकूमत का पैसा बर्बाद करें। बहरकत नाज़रीन गिरामी, आइए, न्यूज़ीलैंड ने दी कश्मीर फाइल्स की नुमाइश पर रोक लगा दी है। जी हाँ, एक खबर आ रही है, न्यूज़ीलैंड सेंसर बोर्ड ने इससे कबल मुल्क में
फिल्म की रिलीज़ को मंजूरी दे दी थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को एक सर्टिफिकेट दिया था जिसके अंदर 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद उसे देख सकते हैं। अंग्रेज़ी न्यूज़ पोर्टल उम्मीद के मुताबिक बोर्ड ने अपने पहले फैसले पर नज़रसानी की और मुसलमानों और दीगर कम्युनिटी ग्रुप्स की तरफ उठाए गए खदशात के बाद न्यूजीलैंड में फिल्म की नुमाइश को रोकने का फैसला कर लिया गया है। कर्नाटक में मुमताज़ बैनुल मज़ाहिब ग्रुप ने भी हफ्ते के रोज़ दी कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि फिल्म मुल्क में फ़िरका परस्ती को हवा दे रही है। हिंदू मुस्लिम ईसाई फ्रेंड्स फोरम ने रियासती हुकूमत से कहा था कि वो कर्नाटक में फिल्म की नुमाइश को रोक दे। नाज़रीन गिरामी, श्रीलंका में इस कदर इस वक्त जो है महंगाई बढ़ चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि यहाँ की स्कूलों में जहाँ इम्तिहानात चल रहे हैं, बहुत सारे तलबा बल्कि बहुत सारे स्कूलों ने एग्ज़ाम्स ही मुलतवी नहीं बल्कि जो है कैंसिल कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर लिखने के लिए पेपर्स मौजूद नहीं है और महंगाई बेइंतहा है। श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और आसमान छूती कीमतों के बायस पेट्रोल ईंधन को महफूज करने की जद्दोजहद के दौरान कतार में लगे दो अफराद की मौत हो गई। श्रीलंका में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है जिसके बायस शहरी पेट्रोल ईंधन के लिए घंटों कतार में लगने पर मजबूर हैं। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इतवार के रोज़ श्रीलंका के दो मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल ईंधन लेने के लिए लगी कतार में इंतज़ार करते दो मुअम्मर अफराद अचानक गिर गए और जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक इंतकाल करने वाले अफराद में से एक की उम्र 70 साल थी और वो पेशे से ड्राइवर था, जबकि वो जो है शुगर और दिल का मरीज भी था। दूसरे शख्स की उम्र 72 साल थी। दोनों ईंधन और पेट्रोल लेने के लिए तकरीबन 4 घंटे से कतार में खड़े थे लेकिन इस कतार ने उनकी जान ले दी है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखते हुए जाऊं कि आरएसएस ने 2025 तक उत्तर प्रदेश के हर गांव तक पहुंचने का मंसूबा बना लिया है। जी हां नाज़रीन गिरामी, ये खबर भी आ रही मुख्तलिफ ज़राए से। आरएसएस के एक सीनियर कारकुन अशोक दुबे ने कहा कि तमाम देहातों में शाखें खोलने का मंसूबा सिर्फ 2024 तक मुकम्मल हो सकता है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में होने वाले हैं जबकि आरएसएस 2025 में 100 साल मुकम्मल कर लेगी। अशोक दुबे के मुताबिक आरएसएस की देही तोसी स्कीम लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी को अच्छी पोजिशन में रखेगी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने गोरखपुर का दौरा किया, उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। गोरखपुर के बाद भागवत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लोकसभा हलके वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। देही इलाकों में शाखों के क़याम के अलावा आरएसएस के कारकुन ने कहा कि संघ के कारकुनान ज़ात पात से पाक माशरे की ज़रूरत पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह की कोशिश हो रही है, किस तरह की प्लानिंग हो रही है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।